चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रंगारेड्डी जिला कलेक्टर आरडीओ महकमा पुलिस लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी हाईवेज अथॉरिटी और दीगर मुख्तलिफ महकमों के हमरा शमसाबाद रोड वाइंडिंग के सिलसिले में हाईवेज पर मौजूद कब्रस्तान औलिया अल्लाह के आस्थाने छिल्ले मसाजिद तो दीगर मजहबी मकामात को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाने से मुतालिक मजीद एक और मरतबा खसूसी इजलास मुनक्किद किया और इस खसूस में जरूरी हिदायत भी जारी की। इस मौके पर एडवोकेट एच.जेड. जावेद मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी के अलावा वक्फ बोर्ड के दीगर अहदेदार मौजूद थे। बाजाजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाया। डिपार्टमेंट पुलिस और नेशनल हाईवे और हमारे सीओ साहब पूरे ऑफिसर्स आरडीओ और दो मेंबर्स हमारे जावेद साहब और अकबर निजामुद्दीन साहब हम लोग सब मिलकर एक मीटिंग करें हाईवे की। हाईवे पे जो भी मस्जिद ग्रेवयार्ड दरगाह जो भी है उसको डिमोलिश नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रल एक्ट है वो, क्योंकि ग्रेवयार्ड कहां से लाके फिर आप दूसरा ग्रेवयार्ड रखेंगे वहां पर आप खबर कुछ छीने सकते ताकि हम तक कब्रस्तान ही रहता हो। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, अगर प्रॉपर्टी है तो उसको कुछ कंसिडर कर सकते। मस्जिद ग्रेवयार्ड को तो कंसिडर करने का सवाल नहीं है, खुसूसन छिल्ला ग्रेवयार्ड ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, इसको जो है ना नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग आज एक मीटिंग रखें और कमेटी वालों को भी बुलाए, एक विजिट करके देखेंगे वहाँ पर, क्योंकि ग्रेव को जो है ना डिमोलिश नहीं कर सकते। नाज़रीन हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुतालिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।